आई एम कोमीवर्स, वेलकम टू गपशप कुकिंग कॉर्नर। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, चुलकारे होंगे और मौज मस्तियाँ चल रही होंगी। तो हम आपके लिए आलू और चिकन की रेसिपी लेकर आए हैं। तो आप जल्दी से जो है कि इंग्रेडिएंट्स सब नोट कर लें, और ये मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, जो हर घर में मौजूद होते हैं, हर किचन में मौजूद होते हैं। तो हम एक इस तरह की अच्छी सी रेसिपी जो है ना वो आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप ही साथ हमारे आ जाएँ और अच्छे से हम सब मिल के जो है ना वो चिकन पोटैटो तैयार कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लें और फिर हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 kg जो है वो चिकन ले लिया था, ऑयल, पोटैटोस, और इसके साथ हमने टमाटर ले लिए थे और मसाला जात में सूखी मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला था वो हमने ले लिया था, ब्लैक पेपर ले लिए थे और सब्ज़ मिर्चें थी। और ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो जल्दी से आप हमें कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और साथ के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो जो है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम जो है हम चॉप कर रहे हैं सब्जियां, तो इसमें हम ऑनियन और जिंजर गार्लिक को भी चॉप कर देंगे, और टमाटर जो है ना उनको भी चॉप कर देंगे, टमाटो को भी चॉप कर देंगे, और ग्रीन चिली हो गई और जिंजर गार्लिक, ऑनियन, हम सब चीज़ों को चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद जो है ना हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अभी हम सब्जी वगैरह बना रहे हैं और आलू को आपने छील लेना, धो लेना, धोने के बाद छील के तो उसके ना कि उसके बड़े बड़े से क्यूब से कटिंग कर लेनी है, बारीक बारीक नहीं काटना, थोड़ा बड़े बड़ा सा ना काटना है, वो अच्छा लगता है। तो उसकी कटिंग करते वक्त इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो वेजिटेबल की जो कटिंग होती है वो बहुत अहम होती है, और अच्छी कटिंग हो तो ज़ाहिर है खाना भी अच्छा बनता है, अगर कटिंग अच्छी ना हो तो फिर तो अजीब सा लग रहा होता है ना। जब इतनी मेहनत भी हो तो चीज़ अच्छी वैसी होनी चाहिए ना, ये भी एक फ़न होता है वेजिटेबल की कटिंग का। तो अब हम कर रहे हैं टोमेटो को मैश कर लिया, अब हमने पोटैटो पेस्ट में जो है ना वो बना लिया था, इसमें हमने ग्रीन चिली भी ऐड कर दी थी 3 से 4। अब हम आलू जो है ना वो काटते हैं। देखिए इतने बड़े बड़े क्यूब्स की शक्ल में ना इस तरह से आपने काट लेने, तो ज़्यादा छोटे छोटे कार्टून पे वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर वो मिक्स हो जाते हैं उसमें, तो बड़े बड़े से काटते तो नज़र भी आते हैं ज़रा, तो अच्छे से हो जाते हैं। अब चिकन को भी धो लें अच्छे से तरीके से, धो के आप रख लें, ये सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम पतीला जो है वो चूल्हे के ऊपर रख देंगे और इसमें हम डाल देंगे हाफ पानी, हाफ कप पानी जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें डाल देंगे चॉप प्याज। हमने थोड़ी देर इसको बॉयल कर लेना 2 से 3 मिनट, इससे प्याज की जो ना मिठास वो ख़त्म हो जाती है और ग्रेवी ज़रा थिक और अच्छी सी बन जाती है। तो बॉयल करने से इस तरह से होता है। अगर आप इसको ठंडा करके ब्लेंडर में डाल के मैश करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर वैसे भी मिक्स हो जाता है क्योंकि बॉयल जो हो जाता है तो इस वजह से वो मिक्स हो जाता है मसाले के साथ ही, तो इस वजह से हमने इसको ब्लेंड नहीं किया क्योंकि वो चॉप किया हुआ था बारीक बारीक सा, तो इस वजह से। अब हम इसमें जो है ना जिंजर गार्लिक हमने डाल दिया था, सॉरी, हम इसमें ना वो ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने के बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, पकाने के बाद जो है ना हम 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जिंजर और 1 टेबल स्पून गार्लिक, ये 2 चीज़ें हम जो इसमें ऐड कर देंगे। जब इनको हल्का सा इनको सौते सा कर लेंगे, इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर हम इसमें चिकन को जो है वो ऐड कर देंगे। चिकन जो हमने अच्छे से धो के रख लिया था तो हम इसको धो के इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को डालने के बाद जो है ना हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से ये होता है कि जिंजर और गार्लिक और प्याज जब हम मिक्स करते हैं ना तो तब इसकी खुशबू जो होती है ना वो ख़त्म कर देते हैं, जो इसकी चिकन की हीप होती है ना उसको ख़त्म कर देता है वो। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, 3 से 4 मिनट जो है ना हमने इसको फ्राई कर लिया। बिल्कुल ज़्यादा नहीं कर देना आपने कभी हो जाए, बस 2 से 3 मिनट तक, जिस पर कलर चेंज हो जाए उसका, तो ब्लड नज़र नहीं आ रहा होता, तो इस वजह से उसके जो हड्डियों का जो ब्लड नज़र आ रहा होता है ना वो नज़र नहीं आता। अब हम इसमें डाल देंगे पोटैटो और ग्रीन चिली जो हमने इसमें ऐड की थी चॉप करते वक्त 2 से 3, तो उसका पेस्ट हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें पका लेंगे 1-2 मिनट तक, इस तरह 2 मिनट तक हम इस तरह इसको पका लेंगे, और पकाने के बाद जो है हम इसमें फिर हम इस डाल देंगे मसाला जात, ड्राई जो रेड चिली और टर्मेरिक है, हल्दी और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हो या कुटा हुआ तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बस आपकी मर्ज़ी, आप पाउडर डालना चाहें तो आपको अच्छा लगता है तो वो भी डाल सकते हैं।
लेकिन हल्का हल्का सा कुटा हुआ अच्छा लगता है। तो हम इसमें हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ और नमक, सूखी मिर्ची और धनिया, ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो पहले जिस वक्त भून रहे थे तो उस टाइम हमने उसमें साबित गरम मसाला भी ऐड किया था, जिस वक्त हमने पोटैटो पेस्ट नहीं डाला था ना उस टाइम हमने चिकन डाला था, चिकन के बाद हमने गरम मसाला, साबित गरम मसाला था वो हमने ऐड किया था इसमें। तो अब हम इसमें इसको थोड़ा हम भूनते रहेंगे ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो इस टाइम पे आप चेक भी कर सकते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा चिकन जो है अक्सर ये होता है कि बहुत नरम भी होता है, छोटा जो होता है चिकन, तो उसकी वजह से ऐसे हो जाता है। तो ये फिर आपने देख लेना, क्योंकि हमने पोटैटो डालने उसको भी थोड़ा सा हम भुनाई उसकी भी करेंगे, तो इस वजह से अब हमने इसमें पोटैटो ऐड कर दिए। अब पोटैटो को भी हम थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। अब ये नहीं है कि पोटैटो हमने डाल दिया इसमें तो फिर हम पोटैटो को फौरन ही पानी डाल देंगे, इस तरह से नहीं होगा। हम इसको भून लेंगे उसमें ताकि मसाला जात जो है ना वो, जिस तरह हम चिकन में डाल के चिकन डाला था और चिकन में भी रच बस गया था, तो इसमें भी रच बस जाना चाहिए तो ज़रा नमकीन और अच्छे अच्छे से बन जाए ना तो अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा हम इस तरह से इसमें भी हम इसको गला लेंगे आलू को, और फिर थोड़ा सा पानी जब डालेंगे तो ढक्कन दगाएंगे लगाएंगे उसके ऊपर, तो फिर थोड़ा सा तब भी जो ये गल जाएंगे। तो आपने भी इसी तरह से करना है। ठीक हो गया, तो हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे, फिर इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर हम ऐड कर देंगे, तो उसका भी अच्छा सा जायका आ जाता है इसमें। लेकिन आपने ग्रीन चिली अक्सर ये होती है बहुत तेज़ होती है, तो उस हिसाब से फिर आपने सारी चीज़ें डालनी है कि ब्लैक पेपर भी और रेड चिली, ग्रीन चिली डालनी है तो रेड चिली कितनी डालेंगे। तो फिर इस टाइम तो भी अगर रेड चिली पहले अगर हमने कम डाल दिया ना तो इस टाइम पे भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि भुनाई हो रही है ना तो भुनाई हो जाएगी तो फिर। लेकिन जब हम पानी डाल देंगे ना फिर हमने रेड चिली नहीं डालनी बिल्कुल भी, फिर ब्लैक चिली ही सिर्फ डाल सकते हैं तो वो नहीं डाल सकते। तो इस बात का भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो हम इसको भून रहे हैं, हल्का हल्का सा पानी डालें ताकि नीचे ना लग जाए वो चिकन और मसाला जो है वो नीचे ना लग जाए। तो इस वजह से ना हम हल्का हल्का सा हाथ से हाथ में के ऊपर पानी डाल के ना एक एक दो 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 टेबल स्पून जितना इतना तो डालते जाना, और इसकी भुनाई कर लेनी है, और फिर चेक कर लेना आलू को कि आलू कितना कच्चा है और कितना पक्का, तो उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम भून लें। जब भी भुनाई करते हैं गोश्त की, जब भी भुनाई करो ना तो थोड़ी सी अच्छी भुनाई कर लो ना, तो फिर वो बहुत ही अच्छा सा उसका टेस्ट आता है और उसका मसाला भी बहुत अच्छी शक्ल का हो जाता है। देखिए अब हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, तो अब ब्लैक पेपर के बाद जो है ना हम इसमें थोड़ा सा हम भून लेंगे बस। इसके बाद हमने दो कप पानी ऐड कर देना, दो कप पानी इसलिए ऐड करेंगे तो आलू जो है ना जब हम पतीला उतार के रख देते हैं तो फिर वो बाद में भी ये पानी खुश्क हो जाता है, क्योंकि ना ये आलू जो है वो पानी को पी लेते हैं तो फिर वो ग्रेवी जो है ना कम हो जाती है। तो इस वजह से आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, थोड़ा सा आपने ज़्यादा रखना है ताकि अगर आलू जस्ट पी कर लें पानी को तो फिर थोड़ा सा ग्रेवी जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, बस सही रहे, यू नो बिल्कुल खुश्क हो जाए सालन। तो आपने इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक हो गया, हमने 2.5 कप जो है ना पानी डाल दिया इसमें, क्योंकि आलू जो है वो भी पानी को पी लेंगे तो जज्ब कर लेंगे तो फिर इस वजह से कम ही ना हो जाए। तो बस अब हम इसमें ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा के हमने इसमें 3 से 4 मिनट, 3 या 4 मिनट तक आपने इसको देख लेना फ्लेम। पहले हमने हाई फ्लेम पे सारा कुछ सारा काम किया था, तो अब मीडियम रख लें तो अभी भी हाई फ्लेम पे कर रहे थे काम। तो हमने तैयार हो गया, हमने आलू चेक किया तो वो गल चुका था और ग्रेवी भी सही बनी थी। हमने इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दिया था, बस अब हम इसको उतार लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो आपने भी इसी तरह से करना है, सर्व करते हुए गरम गरम सा हल्का सा एक दो पिंच जो है इसके ऊपर गरम मसाला जो है वो पाउडर वो भी ऐड कर दें तो अच्छी सी खुशबू आ जाती है, और बीच में थोड़ा सा कोरिएंडर रख दें। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।